चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अब सन्नी अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ईडी की कार्रवाई को उनका कहना है कि ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई है। ईडी की रेड से प्रभावित और चार लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर बवाल हो रहे हैं और अब ऐसे में एक बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चलिए इस खबर पर अपडेट ले लेते हैं। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, क्या है पूरा माजरा समझना चाहेंगे, किन कारणों के चलते इतने बड़े अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? देखिए निगम की चेयरमैन है, भवन सन्निकार कर्मकार मंडल होता है, उसके चेयरमैन है सन्नी अग्रवाल। ये पॉलिटिकली शख्स हैं, राजनीतिक शख्स हैं और सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इनके यहाँ, अभी आपको याद होगा जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तब इनके यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई थी। ईडी ने लगभग 38 घंटे तक उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ की, मगर रेड के बाद आज तक क्या संपत्ति बरामद हुई और क्या खुलासा हुआ, आज तक ईडी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। सन्नी अग्रवाल ने यह बड़ा आरोप लगाया कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण उनके ऊपर कार्रवाई की है और अगर कुछ नहीं मिला है तो किस कारण से उनके यहाँ रेड मारी गई, केवल उनकी छवि को खराब करने के लिए रेड मारी गई या केवल सत्ता पक्ष के वो करीब है इसलिए रेड मारी गई। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने रेड लगाई है। इसके अलावा चार और लोग हैं, महापौर एजाज डेवर के भाई हनीफ डेवर, पिंकी सिंह, अभिषेक सिंह और नितेश पुरे, उन्होंने हाईकोर्ट में इसी प्रकार की याचिका लगाई। तो कुल मिलाकर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगातार जो है वो हाईकोर्ट में याचिका लग रही है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग रही है और कुल मिलाकर ये पूरी कार्रवाई जो ईडी की हुई है राष्ट्रीय अधिवेशन के समय, उस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। चलिए शुक्रिया आदित्य जी तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही हो या हाई कोर्ट में, देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाता है।